25 नवंबर को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धर्म संसद का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धर्म संसद के पहले शिवसेना ने भी वहां डेरा डाल रखा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर अब आवाज मुखर होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बड़ी टुकड़ी जा रही है अयोध्या के लिए, रवानगी हो रही है। काशी प्रांत से लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं की रवानगी होनी है। वाराणसी से भी जो विश्व संवाद केंद्र RSS का सेंटर है, बड़े संख्या में लोगों की रवानगी है। कई बसें यहां से रवाना हो रही हैं। आप साफ माहौल भी देख सकते हैं, पूरी तरह से राममय माहौल है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और यहां से बड़ी संख्या में लोगों की रवानगी है। हम जानना चाहेंगे जिस तरह से संघ प्रमुख भी इस बात को लेकर मुखर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, हम लोग को भी लग रहा है कि मंदिर वहीं पर बनेगा और हम लोग उसके लिए तत्पर हैं और हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही संख्या में। तो किस तरह का है, किस संगठन की तरफ से आप लोगों की रवानगी है यहाँ से और कब पहुँचेंगे? राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा हम लोग सभी स्वयं सेवक उत्साह के साथ जा रहे हैं और एक जन भावना मानस को हम वहाँ प्रकट करना चाह रहे हैं कि हर हिंदू ये चाहता है कि अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थली है, वहाँ जन्म स्थली में श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। यह हिंदुओं के गरिमा और सम्मान की बात है और उनके भावना की बात है। आप जिस तरह से अखिलेश यादव का कहना है कि वहाँ पर माहौल बिगड़ सकते हैं, सेना लगाई जानी चाहिए, आप लोगों का क्या सोचना है? हम लोग अनुशासन के लिए ही जाने जाते हैं और इस तरह से अनुशासनहीनता हमारा कार्य नहीं है। ऐसी संभावना जो लोग सोच रहे हैं वो अपने मन से निकाल दें। जिस तरह से लोगों को ये आशंका है कि वहाँ माहौल बिगड़ सकता है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहेगी, क्या लग रहा है आप लोग किस तरह की रवानगी होगी? ये उनके द्वारा फैला हुआ एक षड्यंत्र है और ये इसके अंतर्गत जो भावनाएं हैं उसको गलत अर्थ में व्यक्त करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखा सकते हैं, बस भी लग चुकी हैं और बस से रवानगी है। सामने चलो अयोध्या के जो संदेश है उसके साथ यहां से रवानगी है और बड़े ही जोश के साथ लोग बैनर पोस्टर हाथ में RSS के झंडे लेकर यहां से रवानगी की तैयारी की गई है। कल सुबह ये लोग यहां से पहुंच भी जाएंगे और राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो आंदोलन है उसको और मुखर करेंगे। वाराणसी से भी राम मंदिर निर्माण को लेकर आवाज वहां गूंजेगी और आज वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों की रवानगी हो रही है। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।